नियोजित शिक्षकों की सेवा का नहीं किया समायोजन बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की प्रखंड इकाई के बैनर तले शिक्षकों ने अध्यक्ष संजय कुमार संजीव व कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में शिक्षक बहाली को लेकर सरकार से जारी नई नियमावली की प्रति चलाकर विरोध प्रदर्शन किया मौके पर जिला अध्यक्ष भुवन कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार ने किए वादे चकनाचूर कर दिए नई नियमावली 2023 आने पर पुरोष नियोजित शिक्षकों की सेवा का समायोजन नहीं किया इस पर सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जिला अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों की हक की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के निर्देश पर आंदोलन तेज करते हुए 12 अप्रैल को राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया जाएगा मौके पर जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार प्रखंड शिव रविंदर कुमार रवि कोषाध्यक्ष विकास कुमार सिंह व अन्य मौजूद रहे